तो युवा जनता दल यूनाइटेड से बाहर किए गए कमलेश शर्मा की आज आरजेडी में एंट्री हो गई है। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कमलेश शर्मा को आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। तेज प्रताप यादव के साथ एक मॉल में कमलेश शर्मा की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद आनंद फानन में जनता दल यूनाइटेड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब वहीं कमलेश शर्मा तेज प्रताप के सहारे राजनीति करेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी में अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने आधा दर्जन विधान सभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगा है। आरजेडी के अंदर खाने से मिली खबर के मुताबिक पिछले दिन तेज प्रताप ने जब लालू यादव से रिम्स में मुलाकात की थी, उस दौरान भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी। तेज प्रताप यादव जहानाबाद जिले में भी अपने करीबी के लिए सीट चाहते हैं। अब कमलेश शर्मा की एंट्री इस बात का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप उनके लिए टिकट का दावा ठोक सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव से मुलाकात करना जेडीयू के युवा जिला अध्यक्ष को भारी पड़ गया था। 5 सितंबर को जेडीयू ने कार्रवाई करते हुए युवा जेडीयू अध्यक्ष कमलेश शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने अनुशासनहीनता समेत कई तरह के अन्य गंभीर लगाए थे। इन लोगों की रोजी रोटी हम ही लोग से चलता था भाई, ठीक है करते। अच्छा विरोधियों का भी, अब विरोधियों का भी जो रोजी रोटी है वो हम ही लोग से चलता है। शुरुआत कर देते हैं, जब पकना चालू कर देते हैं तो लगते हैं वो सुर पकड़िए लेते हैं, तो पूरा सुर हुआ ही लालू परिवार लालू परिवार लालू परिवार। मतलब ये एक तरीके के लोग मंत्र बना दिए हैं, लालू परिवार मंत्र हो गया। मंत्र जो होता है ना, जैसे बाबा बढ़ जाता है उसका माला ले लेते हैं, चपने लगते हैं, तो वैसे विरोधी लोग हम लोग का नाम का माला चपने लगता है। क्योंकि नाम का माला जब नहीं जपेगा तब इन लोग का बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए लोग का रात दिन यही मकसद रहता है कि लालू परिवार को किसी तरीके से घेरा जाए। लेकिन लालू परिवार हम बता देते हैं कि इतना बड़ा है, पूरा बिहार का जितना जनता है नौजवानी सब लालू परिवार है, घेरो। अच्छा जी, वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जैसे नया नया बिया होता है, नए नए वाली दुल्हन जो नहीं होती है घूंघट तोड़ करके रहती है, घूंघट ओढ़ करके। उसी तरीके से हमारे चाचा जी घूंघट में छुपे रहते हैं। अरे घूंघट को खोलिए, जनता के बीच में, जनता के बीच में ये समस्या सुन रहे हैं। कौन सा समस्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है जनता का, तो सब जनता उनको, आप लोगों ने तो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है कि नहीं? रिपोर्ट कार्ड तैयार है ना पुलिस में, क्या रिजल्ट दीजिएगा? अरे तो हाथ उठाइएगा तब ना हम समझेंगे।